5 साल हो गए। और वहाँ पे 10 लुक्के बैठे बैठाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमें न्यूज चैनल, वक्त है खबरों का। रामपुर बघलान तहसील क्षेत्र अंतर्गत झिरिया कुपरिहान में बिक रही अवैध शराब, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने उतरा तो उनसे ही बहसबाजी और मारने की धमकी दे रहे हैं अवैध कारोबार करने वाले। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, क्या है मामला। आज झिरिया कुपरिहान से यहाँ तहसील पहुँचे हैं रामपुर बघलान लोग अपनी समस्याओं को लेकर। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी समस्याएं हैं यहाँ पे। मेरा नाम विनय शुक्ला है, मैं ग्राम पंचायत झिरिया कुपरिहान से हूँ। झिरिया कुपरिहान पंचायत में पूर्व सरपंच छोटे लाल पटेल, उनका बेटा केशव पटेल और वर्तमान सरपंच जो हैं, ये सब मिल करके अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है। आबादी की ज़मीन जो खड़कौनी 2.5 एकड़ है, जो गरीबों के लिए आवंटित है, तो उनको आवंटित ना करके बल्कि उनसे 10-20 हज़ार रुपये ले करके और उनके घर बनवा दिए गए हैं। आज तक उनको पट्टा वितरित नहीं किया गया, स्वयं उसने जो है उसमें अतिक्रमण कर लिया है और घर बना करके अवैध दारू की बिक्री की जा रही है और निरंतर असामाजिकता फैलाई जा रही है। इसकी शिकायत हमने कई बार जो है यहाँ तहसीलदार साहब को दिया, SDM साहब को दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया हुआ। यहाँ तक कि पूर्व में जो नायब तहसीलदार थे अरुण यादव जी, उनको व्यक्तिगत भी बताया और लिखित में भी सूचना दी, उन्होंने बेदखली का आदेश भी किया है, लेकिन आज तक उन्होंने कागज़ भर में सिर्फ बेदखल किया है, वास्तविक में नहीं किया है। निरंतर वो दारू की बिक्री करता है, असामाजिकता फैल रही है। वहीं पास में विद्यालय है, पास में पूरी आबादी है, हरिजन आदिवासियों को पिला पिला करके बर्बाद कर रहा पूरा, मतलब माहौल ऐसा ख़राब है कि माँ बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो आज हम सब आए हैं यहाँ पर कि SDM साहब से मिलेंगे और अपनी समस्या को फिर से पुनः बताएंगे। यदि इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो हम सब आगे फिर बड़ा आंदोलन करने का की कोशिश करेंगे जी। क्या है कि ये केशव पटेल पूर्व वर्तमान सरपंच तो रागिनी पटेल है, उसका बाप ये राम आश्रय पटेल, ये गरीबों से पैसा भी लेता है, काम भी नहीं करने देता, अन्यथा आए दिन दारू बेचवाता है, आए दिन रोज वहाँ मारपीट झगड़ा दंगा फसाद करवाता है। हम वर्तमान में अपने वार्ड के पंच भी हैं, हम बोला एक बार दो बार रिक्स भी लिया ये काम ना करो, लेकिन उनका पैसा है कि हम करेंगे, कोई क्या करेगा। हाँ, वो बोलते हैं कि हम भाई मंत्री हमारा है, संसद हमारा है, सरपंच हम खुद ही हैं, तो कोई हमारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, यही सब बोलते हैं। इसी में लोग मारपीट कराते हैं, मारपीट करने में जैसे एक राम आश्रय पटेल हो गया, दूसरा केशव हो गया, तीसरा मनोज हो गया, चौथा ये अरुण तो हो ही गया। इसके ऊपर पूर्व में मुकदमे भी कायम है थाने में, रिपोर्ट भी करवाया लड़कों को ले जाके बच्चों को, तो TI साहब बोल रहे थे, थाना TI बोल रहे थे कि आप लोग गनमैन हैं, उसके बॉडीगार्ड हैं उनके, तो ऐसा बोल के बोले कि इनको सालों के ऊपर कार्रवाई करो, बाकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मंत्री का उनके ऊपर हर समय फंसा रहता है, इसके लिए हम लोगों को ऐसा बोल रहे थे वो। हमारा कहना ये है कि SDM साहब, इसमें जो अवैध दुकान बनी है तो वो शासन के ज़मीन में शासन के पैसे से बनी है, तो उसमें ताला लगवाया जाए, नहीं गिराया जाए, दो में एक काम जरूर किया जाए, हमारा बार बार रिक्वेस्ट यही है। हमारे साथ आज झिरिया कुपरिहान के उप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप इनसे जानकारी लेते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ के बारे में जी, बताइए। हमारा नाम शिवम रावत है और सरपंच के पति हैं, और कहना है मेरे तरफ से कुछ ये मतलब काम है, ये जो मतलब राम आश्रय पटेल कर रहे हैं, डायरेक्ट बंद करा जाए और डायरेक्ट पब्लिक को सुनवाई दिए जाए। क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पास हो रहा है मतलब शराब बिजंगन रही है। ठीक, और मतलब काम भी नहीं करने देते ढाई संघ से, उनका भतीजा बेच रहा स्वयं मबूस। हाँ, उसके बाद कहना मतलब है मतलब पूरी तरह से काम बंद ही करा जाए सर, आपका बस हो गया, इसलिए घर गिरवा दिया जाए, बस हो गया अवैध अतिक्रमण। आज झिरिया कुपरिहान से यहाँ तहसील पहुँचे हैं रामपुर बघलान लोग अपनी समस्याओं को लेकर। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी समस्या है यहाँ पे।
मेरा नाम विनय शुक्ला है, मैं ग्राम पंचायत झिरिया को परिहान से हूँ। झिरिया को परिहान पंचायत में पूर्व सरपंच छोटेलाल पटेल, उनका बेटा केशव पटेल और वर्तमान सरपंच जो हैं, ये सब मिल करके अवैध अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है। आबादी की ज़मीन जो खड़कौनी 2.5 एकड़ है, जो गरीबों के लिए आवंटित है, तो उनको आवंटित ना करके बल्कि उनसे 10-20 हज़ार रुपये ले करके और उनके घर बनवा दिए गए हैं। आज तक उनको पट्टा वितरित नहीं किया गया, स्वयं उसने जो है उसमें अतिक्रमण कर लिया है और घर बना करके अवैध दारू की बिक्री की जा रही है और निरंतर असामाजिकता फैलाई जा रही है। इसकी शिकायत हमने कई बार जो है यहाँ तहसीलदार साहब को दिया, SDM साहब को दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व में जो नायब तहसीलदार थे अरुण यादव जी, उनको व्यक्तिगत भी बताया और लिखित में भी सूचना दी, उन्होंने बेदखली का आदेश भी किया है, लेकिन आज तक उन्होंने कागज़ भर में सिर्फ बेदखल किया है, वास्तविक में नहीं किया है। निरंतर वो दारू की बिक्री करता है, असामाजिकता फैल रही है। वहीं पास में विद्यालय है, पास में पूरी आबादी है, हरिजन आदिवासियों को पिला पिला करके बर्बाद कर रहा पूरा, मतलब माहौल ऐसा ख़राब है कि माँ बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो आज हम सब आए हैं यहाँ पर कि SDM साहब से मिलेंगे और अपनी समस्या को फिर से पुनः बताएंगे। यदि इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो हम सब आगे फिर बड़ा आंदोलन करने का की कोशिश करेंगे जी। और किसी से बुलवाएं और आप भी कुछ बताएंगे। अरे मेरा नाम मनोज शुक्ला है, ये सरपंच का भतीजा है अरुण पटेल। ये कम से कम 2 साल से कंटिन्यू दारू बेचता है, 5 साल हो गए, और वहाँ पे 10 लुक्के बैठाता है और अंदर नशा कराता है। कोई भी जाता है दुकान सामान लेने तो ये झगड़ा कराता है, उसके बाद ये मारपीट करता है भी इस भाई को और इसकी मैडम को। ये गया था, बाहर रहता है, ड्राइवर है, ये गया था राजश्री लेने तो 500 का नोट दिया, कुल्ला नहीं थे उसके पास, तो बैठाया 1-2 घंटे बैठाया, बोला पैसा दो, उसके बाद बोला कहे का पैसा, इसको मारने लगा फिर, और 10 लोग बैठे थे मारने लगा, रिपोर्ट लिखा, उसके बाद मंत्री मिनिस्टर सब करवा के, ना इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज है ना कहीं यहाँ पे कोई सुनवाई हुई, ये बेचारा परेशान है, ये क्राइम हटाया जाए। मैं SDM साहब और कमिश्नर साहब से यही अनुरोध चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ मारपीट हुई थी वहाँ पे? जी। क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रहलाद पटेल है। हम गए थे राजश्री लेने, हम आ रहे थे, हमारे पाटन से आए, तो रात को करीबन 10:30 बजे हमने राजश्री लेने गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास छुट्टी नहीं है, बैठ जाओ, तो हमने बैठ गए। फिर जब उनसे दोबारा पैसे मांगे तो बोलते कहे का पैसा लेगा, हैं तू पैसा दिया ही नहीं है। मेरे से 2-4 लोग दारू पीने उधर बैठे थे तो वो लोग सब मिलके मेरे को मारने लगे, तो मैंने चिल्लाया तो 2-4 आदमी आकर मुझको बचाया। तो वो लोग बहुत मेरे को परेशान करते हैं, और दूसरे दिन भी झगड़ा किया। हम जा रहे थे वो मेडिकल कराने के लिए, जो चोट लगी थी तो उसी को डॉक्टरी कराने जा रहे थे, तो रास्ते में घेर करके हमको मारा, और हमारे मैसेज जा रहे थे चारा काटने तो उनको भी घेर करके उनको भी परेशान करते हैं। हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई SDM साहब से निवेदन है कि हमारा जो कष्ट है उसको सुनने की कृपा की जाए। तो और कहीं भी आपने रिपोर्ट करवाया था उसको जब आपके साथ मारपीट हुई? तो रिपोर्ट कराया है ताला थाना में, तो वहाँ पैसा भी दे देता है तो वहाँ को कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी मैं मुकुंदपुर में मेडिकल कराए, फिर वो बोले कि अभी सतना चले जाओ, हैं यही है आलम, कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं हो रही है ना, हाँ, परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि मेन समस्या ये है कि जो पूर्व सरपंच है और उनका बेटा जो कोटेदार है, कोटेदारी के अलावा वो सब करता है, अवैध शराब की बिक्री में मुख्य भूमिका उसकी है, जिसका नाम है केशव पटेल है ना। वो इस तरह से कि ये व्यक्ति है, इसने मैंने इसके पास ज़मीन जगह नहीं है तो एक जगह ऐसी मड़ैया बनाया था, तो अपने आदमियों को भेज करके उनसे मिला पटा करके पैसे इनसे ले लिए, और वर्तमान का जो सरपंच है वो भी 20 हज़ार करीब इनसे लिया है, और अब बोलता है कि यहाँ पे स्टे का कुछ कर दिया। आप इनसे पूछ सकते हैं अपनी चीज़ें। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत थी आपको उसमें? मड़ई बना, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है, मैं एक मड़ई बना रहा था, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन भूमि नहीं है, इसके लिए मैं अपने पेट जीवन के लिए एक मड़ई बना के दुकान चलाना चाहता था, तो उनके लिए मेरे से 20,000 रुपये भी ले लिए। कौन लिया था 20,000 रुपये? सरपंच साहब ने 20,000 रुपये ले लिए। अभी ये सरपंच तो रागिनी पटेल हैं,
वर्तमान सरपंच, लेकिन उनके पिताजी पैसा लिए हैं 20,000 रुपये, दो चार लोगों और साथ में मिल के पैसा ले लिए हैं, और उसका कोई अभी तक निराकरण नहीं किए, पैसा भी नहीं दिए मेरा, और अब मुझे तहसील में पेशी के लिए भी भेज दिया है। आपसे पैसा भी ले लिया गया, आपको दुकान भी नहीं बनाई गई वहाँ पे, ऊपर से केस चलवा रहे हैं, धमकियाँ भी देते रहते हैं मारने की। ये देखिए इनका हाथ है ना कुछ है, ये अपने भतीजे को विकलांग है, अपने भतीजी वो 5-6 आदमी मिलके परेशान करते हैं, जैसे रविकरण हो गया, केशव पटेल हो गया, और वो दीपक पटेल हो गया, अरुण पटेल हो गया, और वो क्या बोलते हैं मनोज पटेल, राम आश्रय, ये सब मिल करके परेशान करते हैं, राजकुमार भी है साथ में। मेरा नाम मनोज शुक्ला है, ये सरपंच का भतीजा है अरुण पटेल, ये कम से कम 2 साल से कंटिन्यू दारू बेचता है, 5 साल हो गए, और वहाँ पे 10 लुक्के बैठाता है और अंदर नशा कराता है, कोई भी जाता है दुकान सामान लेने तो ये झगड़ा कराता है, उसके बाद ये मारपीट भी कराता है। जी क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रहलाद पटेल है। हम गए थे राशरी लेने, हम आ रहे थे, हमारे पाटन से आए, तो रात को करीबन 10:30 बजे हमने राशरी लेने गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास छुट्टी नहीं है, बैठ जाओ, तो हमने बैठ गए। फिर जब उनसे दोबारा पैसे मांगे तो बोलते कहेगा पैसा लेगा, हैं तू पैसा दिया ही नहीं है, मेरे से 2-4 लोग दारू पीने उधर बैठे थे तो वो लोग सब मिलके मेरे को मारने लगे, तो मैंने चिल्लाया तो 2-4 आदमी आकर मुझको बचाया। तो वो लोग बहुत मेरे को परेशान करते हैं, और दूसरे दिन भी झगड़ा किया। हम जा रहे थे वो मेडिकल कराने के लिए, जो चोट लगी थी तो उसी को डॉक्टरी कराने जा रहे थे, तो रास्ते में घेर करके हमको मारा, और हमारे मैसे जा रहे थे चारा काटने तो उनको भी घेर करके उनको भी परेशान करते हैं, हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई SDM साहब से निवेदन है कि हमारा जो कष्ट है उसको सुनने की कृपा की जाए। तो और कहीं भी आपने रिपोर्ट करवाया था उस जब आपके साथ मारपीट हुई? तो रिपोर्ट कराया ताला थाना में, तो वहाँ पैसा भी दे देता है तो वहाँ को कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी मैं मुकुंदपुर में मेडिकल कराए, फिर वो बोले कि अभी सतना चले जाओ, हैं यही है कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं हो रही है ना, हाँ परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि मेन समस्या ये है कि जो पूर्व सरपंच है और उनका बेटा जो कोटेदार है, कोटेदारी के अलावा वो सब करता है, अवैध शराब की बिक्री में मुख्य भूमिका उसकी है, जिसका नाम है केशव पटेल है ना। वो इस तरह से कि ये व्यक्ति है, इसने मैंने इसके पास ज़मीन जगह नहीं है तो एक जगह ऐसी मड़ैया बनाया था, तो अपने आदमियों को भेज करके उनसे मिला पटा करके पैसे इनसे ले लिए, और वर्तमान का जो सरपंच है वो भी 20,000 करीब इनसे लिया है, और अब बोलता है कि यहाँ पे स्टे का कुछ कर दिया। आप इनसे पूछ सकते हैं अपनी चीज़ें। अच्छा तो क्या दिक्कत थी आपको उसमें? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है, मैं एक मड़ई बना रहा था, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन भूमि नहीं है, इसके लिए मैं अपने पेट जीवन के लिए एक मड़ई बना के दुकान चलाना चाहता था, तो उनके लिए मेरे से 20,000 रुपये भी ले लिए। कौन लिया था 20,000? सरपंच साहब ने 20,000 रुपये ले लिए। अभी ये सरपंच तो रागिनी पटेल हैं, वर्तमान सरपंच, लेकिन उनके पिताजी पैसा लिए हैं 20,000 रुपये, दो चार लोग और साथ में मिल के पैसा ले लिए हैं, और उसका कोई अभी तक निराकरण नहीं किए, पैसा भी नहीं दिए मेरा, और अब मुझे तहसील में पेशी के लिए भी भेज दिया है। आपसे पैसा भी ले लिया गया, आपको दुकान भी नहीं बनाई गई वहाँ पे, ऊपर से केस चलवा रहे हैं, धमकियाँ भी देते रहते हैं मारने की। ये देखिए इनका हाथ है ना कुछ है, ये अपने भतीजे को विकलांग है, अपने भतीजी वो 5-6 आदमी मिलके परेशान करते हैं, जैसे रविकरण हो गया, केशव पटेल हो गया, और वो दीपक पटेल हो गया, अरुण पटेल हो गया, और वो क्या बोलते हैं मनोज पटेल, राम आश्रय, ये सब मिल करके परेशान करते हैं।